आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ स्वयं, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल किडोक्टी प्लस में। आज हम लेके आए हैं नंबर नेम्स। नंबर नेम्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब लिखते हैं बच्चे वर्ड्स में तब हम न्यूमेरल यूज नहीं करते, उनको तो न्यूमेरल पहले से ही पता चलता है, 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके 100 तक उनको सिखाया जाता है UKG में। लेकिन UKG और LKG में ये भी सिखाया जाता है कि उनको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें, स्पेल द नंबर्स और यू कैन से नंबर नेम्स, देर आर मैनी थिंग्स। सो टूडे वी आर विथ दिस नंबर नेम्स कंसेप्ट। यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं उनको दिखाने के लिए कि नंबर नेम इसका क्या है। तो उनको पता है एक ऑब्जेक्ट मतलब 1, दो ऑब्जेक्ट मतलब 2, 3 ऑब्जेक्ट्स मतलब 3, 4 ऑब्जेक्ट्स मतलब 4। तो आप उसी के हिसाब से उनको 1 यहाँ पे रख के पहले ऑब्जेक्ट के हिसाब से उनको, तो 1 दिखा के यहाँ पे आप O N E 1, फिर उसके बाद आएंगे 1 2, 2 को हम कैसे लिखते हैं TWO 2, तो 2 के बाद क्या आता है 1 2 3, 3 को कैसे लिखते हैं THREE 3, उसके बाद आता है 4, 1 2 3 4, 4 को कैसे लिखते हैं FOUR, उसके बाद आता है 1 2 3 4 5, 5 कैसे लिखेंगे FIVE 5, तो 5 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6, 6 को कैसे लिखेंगे SIX 6, 6 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे SEVEN 7, तो उसके बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे हम EIGHT 8, 8 के बाद क्या आता है 9, तो कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हम कैसे लिखते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे NINE 9, 9 के बाद क्या आता है 10, कैसे जानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हम कैसे लिखते हैं TEN 10, 11, 11 को हम यहाँ पे क्या कैसे दिखाए हैं स्टैंडिंग लाइंस के थ्रू, तो हम ये क्या है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाउ मेनी स्टैंडिंग लाइंस आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so this is numeral 11, very good, the spelling is E L E B E N, good job, so this is cross, तो कितना है काउंट करो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम 12, DWELBE, उसके बाद क्या आता है ट्राइंगल, 13 आता है ये ट्राइंगल शेप है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वेरी गुड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 13, THIRTEEN, गुड जॉब, तो उसके बाद ये कौन सा शेप है स्क्वायर, वेरी गुड, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वेरी गुड, तो ये है 1 4 14, कैसे लिखते हैं हम FOURTEEN, गुड जॉब, ये क्या है सही स्लीपिंग लाइंस, तो हाउ मेनी स्लीपिंग लाइंस आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 15, 1, 5, 15. 15. 15 को कैसे लिखते हैं? F-I-F-T-E-E-N. Good job. तो ये कौन सा लाइन है साई? Slanting line. Slanting line. So how many slanting lines are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 1, 6, 8, 16. कैसे लिखते हैं हम? S-I-A-T-E-E-N. Good job. तो ये कौन सा shape है? Circles. How many circles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 7, 8? 17. तो कैसे लिखते हैं हम? S-E-B-E-N-T-E-E-N. Good job. ये कौन सा shape है साई? These are diamond shape, साई? Diamond. How many diamonds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो 18 हम कैसे numeral में लिखते हैं? 1, 8, 8, 18. तो उसको spelling हम कैसे करेंगे? A-E-I-G-H-T-E-E-N. Good job. ये कौन सा shape है? Spiral. How many spirals are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. 19 को हम कैसे represent करते हैं? 1, 9, 8. 19. Very good. तो spelling उसका क्या है? N-I-N-E-T-E-E-N. Good job. ये कौन सा shape है? Cylinder. Cylinder shape. How many cylinder shapes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 20 को हम कैसे लिखते हैं? 2, 0, each, 20. तो उसको number name उसका क्या है? D-W-E-N-T-Y. Good 20. Job, Sai.